एनआईए दिल्ली और रांची की टीम ने धनबाद के चर्चित गाड़ी रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह के घर पर छापा मारा है। सुबह 6 बजे से ही उपेंद्र सिंह के घर की घेराबंदी कर दी गई थी, लेकिन दिल्ली और रांची से आई एनआईए की टीम ने 2 बजे तक छापेमारी की। बताया जा रहा है कि छापेमारी में माओवादियों को हथियार सप्लाई करने से जुड़े मामले में की गई है। धनबाद के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी एनआईए ने छापेमारी की है। गौरतलब है कि उपेंद्र सिंह हाल ही में धनबाद जेल से छूटकर आया है और जेल से बाहर निकलते ही उस पर अपने रिश्तेदार को गोली मारने का आरोप लगा है। धनबाद के धुली विनोद बिहार चौक के पास श्री राम विहार कॉलोनी में उपेंद्र सिंह का घर है। उपेंद्र सिंह धनबाद का बहुचर्चित गाड़ी रिकवरी एजेंट है। उसके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज है। वो पहले भी कई बार जेल की हवा खा चुका है। एनआईए की टीम ने उपेंद्र सिंह को मटकुरिया बीसीसीएल आवास में छापेमारी की है। हालांकि छापेमारी को लेकर एनआईए की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई। हाल ही में वासेपुर से गैंगस्टर प्रिंस खान ने भी उपेंद्र सिंह को धमकी दी थी। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों से बंगाल में विदेशी हथियार बरामद हुआ था। उन हथियारों की सप्लाई में भी उपेंद्र सिंह का हाथ बताया जा रहा है। फिलहाल एनआईए इन तमाम मामलों में सबूत खंगाल रही है। पंजाब केसरी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।